Hey guys, welcome to the Android Guide channel. And आज के इस वीडियो में मैं आपको दो वायरलेस माउस को कंपेयर करने वाला हूँ. एक जो है वो Realme वायरलेस माउस है और दूसरा जो है वो है Mi पोर्टेबल वायरलेस माउस. और ये दोनों जो है वो Xiaomi एंड Mi, ये दोनों जो है वो Realme और Xiaomi, ये दोनों कंपनीज जो है वो एक दूसरे के साथ अपने प्रोडक्ट में जो है वो कम्पीट करते रहते हैं. तो यहाँ पर जो है वो Realme ने भी अपना एक माउस ले आया है. तो मैं इन दोनों माउस को कंपेयर करने के बाद आपको मैं बताने वाला हूँ कि इन दोनों माउस में से आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, किस में क्या डिफरेंस है, सब कुछ जो है वो मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सो गाइस, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. बट उससे पहले, अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तब आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके. तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं Realme माउस से. तो इसमें आपको जो है वो एर्गोनॉमिक डिज़ाइन आपको दोनों ही में मिल जाता है. दोनों ही जो है वो साइलेंट टच जो है वो आपको मिलते हैं. तो थोड़े बहुत भी आवाज़ वगैरह नहीं होने वाला इन दोनों माउस में. बैटरी बैकअप जो है आपको दोनों ही में काफ़ी अच्छा मिल जाता है. जो वेट है वो आपको Realme वायरलेस माउस में 62 ग्राम का लाइट वेट मिलता है और Mi पोर्टेबल वायरलेस माउस में आपको 56 ग्राम का लाइट वेट मिलता है विदाउट बैटरी. यहाँ पर आपको दोनों ही में डबल ए बैटरी जो है वो लगता है, एक एक डबल ए बैटरी इसमें जो है वो लगेगा. और यहाँ पे जो बैटरी बैकअप है वो Realme वायरलेस माउस में 8 मंथ का जो है वो यूजेज मिल जाएगा एक बैकअप, एक बैटरी लगाने पे. और Mi में आपको जो है वो 12 मंथ का बैकअप मिलेगा. यहाँ पे जो DPI लेवल्स है वो आपको Realme में 3 DPI लेवल्स मिलते हैं, 800, 1200 और 1600 जो है वो DPI लेवल मिल जाते हैं तीन. और यहाँ पे Mi में आपको जो है वो सिर्फ 1200 DPI पे ही जो है फिक्स्ड रहने वाला है. तो इसको आप कंट्रोल और चेंज वगैरह नहीं कर सकते हैं Mi के माउस में. यहाँ पे जो है वो दोनों ही में दो कलर ऑप्शंस मिलते हैं. Realme में आपको ब्लैक एंड येलो मिलता है एंड Mi में आपको ब्लैक एंड वाइट माउस मिलता है. दोनों ही में आपको USB रिसीवर मिल जाते हैं. और जो प्राइस है वो Mi का प्राइस है 500 रुपीज़ एंड Realme का प्राइस है 799 रुपीज़. सो गाइस, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी बैकअप और लाइट वेट जो है वो Mi का माउस जो है वो है Mi वायरलेस ब्लूटूथ पोर्टेबल माउस जो भी है उसमें आपको जो है वो काफ़ी लाइट वेट मिलता है, बैटरी बैकअप उसमें अच्छा मिलता है. और तीसरा, उसमें आपको जो 1200 DPI जो है वो फिक्स्ड है. तो ये तीन चीज़ उसमें मिलता है. तो फिक्स्ड है, यही जो है वो एक कौन है इस माउस का. अगर मुझे जो वो DPI कम या ज़्यादा करना हो तो उसके लिए आप जा सकते हैं Realme में. Realme में आपको जो वो 3 DPI लेवल मिलते हैं, 800, 1200 और 1600. तो 3 DPI लेवल्स आपको इसमें मिल जाते हैं. तो अगर आपको एक ऐसा माउस चाहिए जिसमें आप DPI वगैरह जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं तो आप जो वो Realme के साथ जाइए. बाकी मुझे अगर परचेस करना हो तो मैं Realme के साथ भी जा सकता हूँ और Mi के साथ भी. बट Realme में थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कंट्रोल के लिए. बाकी अगर आपको एक नॉर्मल यूज़ करना हो, जैसे कि आप ऑफिस यूज़ कर रहे हो या पढ़ाई वढ़ाई कर यूज़ कर रहे हो, तो आप इस माउस के साथ जा सकते हैं Realme वायरलेस पोर्टेबल माउस के साथ. सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा.